नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक पटेल है और स्क्रिप्टेड दृश्य में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक एक्टर हूँ जो टीवी शोज, थिएटर, एड्स और फिल्मों में काम करता हूँ। मुझे किताबें पढ़ना और फिल्में देखना खूब पसंद है। अब किताबों की बात करें तो बचपन से तो नहीं, लेकिन 2015 में मैंने पहली किताब पढ़ी थी एक फिल्म शूट के दौरान। तब मुझे पहली बार किताब पढ़ने का जो मज़ा है वो महसूस हुआ था। मतलब एक फिल्म शायद आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे तक कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा या सस्पेंस जैसे इमोशंस फील करा सकती है, लेकिन किताबें पढ़ने पर यही सारे इमोशंस आपको धीमे धीमे पूरी किताब ख़त्म होने तक और उसके बाद भी फील होते हैं। क्योंकि किताबों में हम खुद का इमेजिनेशन यूज़ करके एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे सिर्फ हम ही समझ और देख सकते हैं। मुझे आज भी काफ़ी सारी किताबों की वो इमेजिनेशन वाली दुनिया याद है, और कुछ कुछ तो इतनी प्रिसाइज है कि पता ही नहीं लगता कि शायद उसे रियल में देखा था या कोई मूवी में। और हाँ, मूवीज़ की बात करें तो इंडिया में रहते हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो बेसिक सुपर हीरो वाली मूवी है या रोमांटिक मूवी है या कॉमेडी मूवी है वो तो देखते ही थे। लेकिन 2015 में उसी शूट के दौरान एक रात को शूट के बाद हमारे एक को एक्टर ने हम लोगों को एक ईरानियन फिल्म दिखाई, स्टोनिंग ऑफ सोराया एम। तब मुझे पता लगा कि वर्ल्ड सिनेमा की कहानियाँ और उसके किरदार कितने रियलिस्टिक होते हैं, कुछ ऐसा जो समाज में हमारे आसपास आसानी से देखने को मिलता है। फिर चाहे वो स्कूल जाते एक छोटे से बच्चे की कहानी हो सकती है, एक बस कंडक्टर की, एक स्कूल टीचर की, या फिर एक मामूली से शहर के छोटे से इंस्पेक्टर की। क्योंकि हमने बचपन से सुपर हीरो वाली मूवीज़ या 20 गुंडों को अकेले हाथ पीटने वाले हीरो की, या फिर गरीब हीरो और अमीर हीरोइन वाली, या अमीर हीरो और गरीब हीरोइन वाली मूवीज़ इतनी सारी देख ली थी कि वर्ल्ड सिनेमा की रियलिस्टिक कहानियाँ और उसके किरदार कई ज़्यादा कनेक्ट करने लगे। तो फिर धीरे धीरे पहले मैंने ईरानियन सिनेमा एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर कुछ कभी कोई रशियन फिल्म देख ली, कभी कोई इटालियन फिल्म देख ली, कभी कोई कोरियन फिल्म देख ली, और फिर पिछले कुछ सालों में तमिल, मलयालम और मराठी जैसा हमारा रीजनल सिनेमा भी जो वाकई में काबिल-ए-तारीफ़ है। तो मैं चाहता हूँ कि वही सारी किताबें और वही सारी फिल्में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और कभी कभी कुछ कविताएँ भी। तो चलिए, फिर मुलाकात होती रहेगी।